जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर यादव समाज ने कराहल नगर में निकाली भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा। रथ में सवार होकर क्षेत्र भ्रमण पर निकले नटखट गोपाल। खबर कराहल से, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार पर जहां एक और देश भर में भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाने के साथ ही भव्य आयोजन किए जा रहे हैं, तो इसी क्रम में कराहल में भी यादव समाज द्वारा नंदलाल का धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया गया। नगर में विशाल भव्य यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़े और डीजे बैंड के साथ ये यात्रा पनवाड़ा स्थित श्री कृष्ण मंदिर से शुभारंभ हुई, जो पनवाड़ा माता मंदिर से होते हुए कराहल नगर पहुंची, जहां नगर की मुख्य मार्गो से भगवान की रथ यात्रा की निकासी की गई, जहां कई जगह सभी समाज के लोगों द्वारा स्वागत द्वार बनाकर भगवान की मंगल आरती गाई गई और रथ यात्रा में शामिल भक्तों को स्वल्पाहार का प्रबंध किया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर भक्तों में बड़ा ही उल्लास देखने को मिला। हर कोई कृष्ण रंग में डूबा हुआ नजर आया। श्री कृष्ण के जयकारों से संपूर्ण कराहल नगर गूंज उठा। नगर के सभी नागरिक रथ में सवार होकर लीलाधर के दर्शन के लिए उत्साहित थे। कई जगह रथ यात्रा पर जेसीबी से पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद ये शोभा यात्रा ग्राम सेसईपुरा पहुंची, जहां मोरावन रोड स्थित श्री कृष्ण मंदिर पर चल समारोह का समापन हुआ और सभी समाज बंधु को प्रसादी भोजन की व्यवस्था की गई। शोभा यात्रा में यादव समाज के हजारों की संख्या में युवा सहित वरिष्ठ जन शामिल हुए। सुरक्षा की ऐतिहास रैली में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। देखिए संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शुभारम्भ हुआ, कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली गई? पहले तो बक्की भाई आपको धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज किया। ये यात्रा हमारी राधा कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के बहुत पहले से हमारी तैयारियां चल रही थी। सभी समाज की, समाज के सभी बड़े बुजुर्गों ने, युवाओं ने बहुत मेहनत करके इसको, इसमें भाग लिया, सफल किया। ये पनवाड़ा राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ होकर के माता मंदिर होते हुए और कराहल नगर में पालीवाल चौक होते हुए करिया तराज से और ये अपने पनवाड़ा त्राय तक आ चुकी है और यहाँ से अब समापन सेसईपुरा में है राधा कृष्ण मंदिर पर। तो आप सब लोगों को मैं इस राधा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सब क्षेत्रवासियों को, आपको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं।